श्री राम कथा मोट महोत्सव अंतिम दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। झांसी मोट के टीकाराम कॉलेज में स्वर्गीय श्रीमती रामा देवी जी की पुण्य स्मृति में 9 दिवसीय श्री राम कथा मोट महोत्सव आयोजन के अंतिम दिन विश्वविख्यात रामकथावाचक प्रेम भूषण जी महाराज ने राम कथा सुनाई। रामकथा का रसपान कराते हुए प्रेम भूषण जी महाराज के भजनों पर श्रोता जमकर झूमे। श्री रामकथा के दौरान भजनों के माध्यम से श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। रामकथा में हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष सम्मिलित हुए। श्री रामकथा एवं मोट महोत्सव का समापन विशाल भंडारे के साथ सम्पन्न हुआ। इस मौके पर पूर्व विधायक गरोठा दीप नारायण सिंह यादव ने सभी मोट नगरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक उनकी जान में जान है तब तक जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं विधायक रहूं या ना रहूं, लेकिन जनता की परेशानियों में हमेशा कार्य करता रहूंगा। गरोठा पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने बताया कि मोट महोत्सव और श्री रामचरितमानस रामकथा का आयोजन विगत 16 वर्षों से होता चला रहा है, जहां लोग भक्ति में सराबोर होकर ईश्वर की आराधना में मग्न होते हैं। वहीं महोत्सव के अंदर सामूहिक विवाह का आयोजन और मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है। दीपक यादव ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 1000 कन्याओं का कन्यादान करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने हर धर्म, हर जाति व समाज की बहनों का विवाह सम्पन्न कराया है और आगे भी लोगों के काम आते रहेंगे। इस अवसर पर पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव, मोट नगर चेयरमैन अनिरुद्ध यादव, सूरज वर्मा, सुरेश दुबे, डॉक्टर विनोद यादव, लक्ष्मण सोनी समेत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मोट महोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके से आप लोगों ने पूरा तरीके से मनाया, क्या समय? देखिए, ये महोत्सव की परंपरा तो 14 वर्ष पूर्व हम लोगों ने शुरू की थी। इसमें हर वर्ष हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते थे और महोत्सव में भी देश के जाने माने कलाकार बुलाते रहे हैं और उसी में हम लोग सामूहिक विवाह यज्ञ भी करते आए हैं। इस वर्ष हम लोगों ने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बदला है। कोरोना के बाद जो परिस्थितियाँ बनी हैं सामने, उसको देखते हुए हम लोग, हमारी इस बीच माता जी नहीं रही, उनकी स्मृति में राम कथा का आयोजन हम लोगों ने किया है और महोत्सव का कार्यक्रम भी चल रहा है शाम को, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भागीदार होते हैं। ये हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि राजनीति में कोई व्यक्ति है, उसकी कोशिश ये हमेशा बनी रहनी चाहिए कि हम लोगों के काम आ सकें, उनके भाव को समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके लिए साधन बना सकें। हम लोगों ने कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए और महोत्सव के कार्यक्रम भी इसलिए किए कि ऐसे ही नहीं कि महोत्सव बड़े शहरों में ही होगा, हम छोटे शहरों में महोत्सव को ले जाएंगे और हम सब लोग मिलकर उनके आनंद की वजह ढूंढेंगे, कलाकारों का सम्मान करेंगे। और हमें खुशी है कि मोट की इस मंच पर देश के जाने माने कलाकार आए हैं समय समय पर, इस बार भी सब जाने मानी हस्तियाँ। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य है कि जो महोत्सव के आयोजन हैं, पहला तो ये है कि अब इस बार का उद्देश्य तो हमारा सबसे पहला प्राथमिक ये था कि हमने अपनी माँ की पुण्य स्मृति में एक धार्मिक आयोजन किया। दूसरा, जो महोत्सव का आयोजन है उसमें जहाँ लोग मनोरंजन भी जीवन का एक हिस्सा है और वही कलाकारों का सम्मान भी हिस्सा है, तो हम लोग जो महोत्सव की परंपराएं हमारे पुरखों ने बनाई, जिस परंपरा को पूरे देश में निर्वाह करने की कोशिश चलते हैं, हम लोगों ने भी उसको अपना एक उत्सव के रूप में जोड़ा और उस महोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। देखिए, झांसी की रानी का जन्मदिवस झांसी के लोगों के लिए तो हमेशा ही एक महान दिवस है, उन्होंने हमें पूरी दुनिया में पहचान दी है। हाँ, लेकिन इस बार इस बात की खुशी है कि चुनाव नज़दीक है तो देश भर के लोग आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, खुशी की बात है, अच्छी बात है। हमारे झांसी के जन्मदिवस को पूरी दुनिया में मनाया जाना चाहिए, अपना अनोखा इतिहास है हमारा। कहते हैं कि बड़े बड़े राजघराने जब अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो रहे थे और हमारी झांसी की रानी फैसला ले रही थी जान दे देंगे, झांसी नहीं देंगे, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य है और एक ऐसी सच्चाई है दुनिया के इतिहास की कि जिसने सबको माना है, सब लोगों ने जिसको माना है, हमें खुशी है सरकार बड़े स्तर पर इसको बना रही है। क्या लगता है कि भाजपा इस तरीके से यूएफटी लाइव के लिए अंसार सिद्दीकी की रिपोर्ट।